सबसे पहले बारामूला की खबर से आपको खबरदार करते हैं, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। दो आतंकी ढेर होने की खबर है। बारामूला में दो आतंकी मार गिराए गए हैं सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। ये जो मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के बारामूला में चल रही थी, वहां पर दो आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको उसी जगह की दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हमारे साथ हमारे संवाददाता मीर फरीद इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मीर, बताएं। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन जो सुबह से चल रहा था, कॉर्डन स्ट्रक्चर ऑपरेशन था, सुरक्षा बलों ने जो हाजीपुरा गांव है उसको लेके तलाशी अभियान शुरू किया था। और इनपुट ये था, खुफिया इनपुट ये था कि दो से तीन लश्कर के जो मिलिटेंट है हाइड आउट में छुपे हुए हैं। और अभी आधा घंटा पहले जो है इनपुट सही साबित हुआ, मुठभेड़ शुरू हुई और अभी आप मैं कह सकता हूँ कि दो जो है मिलिटेंट उनको मार गिराया गया है, उनकी बॉडीज जो है स्पॉट हुई है। और उसके अलावा सेना का एक जवान और पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसका एक जवान इसमें जख्मी हुआ है और अभी ऑपरेशन चल रहा है। कल से ही जो है वहां पे सर्च चल रहा था, गतिविधि चल रही थी, मूवमेंट देखी गई है और सुरक्षा बलों ने जो है ऑपरेशन शुरू किया और सुबह से ही हाउस टू हाउस सर्च जो है चल रही थी। अभी सफलता मिली है और अगर आप बड़ी जो पिक्चर देखें तो जो पिछले दो तीन दिन से जब से होम मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश आए हैं, गृह मंत्री ने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन बढ़ाने पड़ेंगे। जो मिलिट्री बड़ी है जम्मू और खासकर जम्मू के जो बॉर्डर इलाके हैं, लेकिन मीर ये उत्तरी कश्मीर के इलाकों में इस तरह की के मुठभेड़ों को होना या फिर आतंकवाद को एक तरह से हम समझें तो ये चीजें बहुत सामान्य नहीं रह गई थी। अब तो ये जो मुठभेड़ है इसमें क्या कोई खबर पर ये ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो वो हॉट जोन रहा है पिछले पांच छह साल से, वहां पे जो है मिलिटेंसी रही थी लेकिन उत्तरी कश्मीर शांत था। हालांकि एनओसी के करीब का इलाका है उत्तरी कश्मीर, कुपवाड़ा बारामूला की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तब भी जो है वो इलाका शांत था। लेकिन अचानक वहां पे जो है फिर एक बार मिलिटेंसी की प्रेजेंस मिली है और खासकर अगर आप जंगल के इलाकों की बात करें तो इनपुट है कि 70 से 80 जो मिलिटेंट है अलग अलग जगह पे उन्होंने ठिकाने बनाए हुए हैं जंगलों में, तो उसी को लेके ऑपरेशन चल रहे थे। इस ऑपरेशन की अगर आपको बात बताऊं कि जो सुरक्षा बल है उनको इनपुट मिला था, एक खुफिया इनपुट मिला था, क्रेडिबल इनपुट था कि वहां मूवमेंट हुई है और उसके बेसिस पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। आइडेंटिटीज अभी पता नहीं है लेकिन बॉडीज मिल चुकी है और कुछ ही देर में पता चलेगा कि यह लोकल थे या फिर नॉन लोकल थे, लेकिन दो मार गिराए गए हैं और अभी भी जो कुछ हो सकते हैं और उनको लेके अभी जो है तलाशी अभियान और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मीर फरीद, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कश्मीर में बारामूला में रफियाबाद इलाके में मुठभेड़ ये चल रही है, अभी भी चल रही है, लेकिन दो आतंकियों को ढेर किया जा चुका है।